Tio! Giorno con me! Giorno! 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 Giorno con me! Giorno! Giorno! साथियों के बाद बंदूके इसी के बल पर दोरा दोरी दिखा रहे हो पहलवान। अगर तुमने किसी बहादुर माँ का दूध पिया है और एक बाप की औलाद हो तो फेंक दो ये बंदूके, हो जाए दो दो हाथ, फिर देखते हैं बहादुर कौन है। तुम्हारी माँ के दूध की तासीर में कितनी ताकत है पता चला? हमारे बाप के बारे में जानना चाहते हो? मैं जानना चाहता हूँ। आइंदा कभी किसी ने भागने की कोशिश की तो उसका भी यही अंजाम होगा। रुक जाओ, ये देखो तुमने दो, लगता है वो कैदी यहीं आसपास ही है। कुत्तों को खोल दो।
अब क्या होगा सर? अब कुत्तों के बगैर उन तक पहुंचना मुश्किल है। शेरा किशन, इसे मारकर तुम हसन की जिंदगी से खेलना चाहते हो? मुझे मालूम है, लेकिन मैं अपने बेटे हसन की जिंदगी बचाने के लिए अपने दोस्त की कुर्बानी नहीं दे सकता। बस मैं जानता हूं, लेकिन इसे बचाना होगा, हर हालत में इसे बचाना होगा। गेट मी द नाइफ। पहले वो जमीन पे गिरा हुआ खाना खाना, बाद में प्लेट वाला। ध्यान रखना। ठीक है ना?
Ace! Kasim! He's all right! यहां जितने निवारे खाने को मिलते हैं उतने ही मिनट सोने को मिलते हैं। ज्यादा सोएगा तो जान से मार डालूंगा। भैंसे का बोझ हम कब तक उठाते रहेंगे? नीचे देख। बढ़ गया कासिम, मैंने तुझसे कहा था ना कि मुझे मेरे 25 के 25 आदमी चाहिए, एक भी कम नहीं। नहीं नहीं शरण, नहीं। देखो तुम मेरी जान ले लो, मेरे बच्चे को छोड़ दो। और मैंने जानबूझ कर नहीं किया शेरा, नहीं सर, मैंने जानबूझ कर नहीं किया शेरा, शेरा मैंने जान अपना वादा पूरा किया, अब तुम भी अपना वादा पूरा करो। वादा? कैसा वादा? कैसा वादा? ठीक ही तो कह रहा है, डाकू जिस तरह तिजोरी के ताले तोड़ दिया करते हैं, हम लोग वादे तोड़ दिया करते हैं। हराम! तुम लोगों ने पिछली बार मेरी हुकूमत पर हमला करके मेरी बहुत तबाही की थी, मेरे कई साथी मार डाले। अरे मैं अपने एक साथी की मौत पर बस्तियां उजाड़ देता हूं तो फिर तुम्हें कैसे छोड़ूंगा? बांध दो इन्हें। चलो, तुम नहीं, तुम अकेले। हाँ चलो जश्न मनाओ। ए लड़कियों, उस दिन तो तुम हमारे लिए नाची थी, लेकिन आज हमारे इन साथियों का दिल बहलाने के लिए नाचोगी। तुम दोनों नाचती बहुत अच्छा हो। और सुनो, इस बच्चे की जिंदगी का मुकद्दर तुम्हारे पैरों में लिखा है। जब तक तुम नाचती रहोगी ये बच्चा जिंदा रहेगा, और जहां तुम्हारे कदम रुके अमर और करण पर गोलियां चल जाएंगी, और उनके कदम डगमगाते ही ये बच्चा मौत के फंदे से लटक जाएगा। तुम्हारी खामोशी को इंकार समझा जाएगा,
और इंकार पर गोलियां चल जाएंगी।